घोसी लोकसभा से सांसद अतुल राय आज बनारस सीजेएम कोर्ट में पेश हुए, जहां माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सांसद अतुल राय की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद अतुल राय को कचहरी से जेल के लिए पुलिस लेकर रवाना हो गई। इस दौरान कोर्ट से दौड़ते हुए बाहर निकले अतुल राय, जो कि वीडियो में देख रहे हैं आप, और आपके मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर सांसद अतुल राय इस तरह दौड़ते हुए कोर्ट से बाहर आखिर क्यों निकल रहे हैं। दरअसल आज पूर्वांचल के कई शहरों में मानसून ने दस्तक दी है और लगातार बारिश हो रही है, और इसी वजह से सांसद अतुल राय दौड़ते हुए रास्ता पार कर रहे हैं ताकि बारिश का पानी उन्हें भिगा न दे। पीएलएल न्यूज के लिए वाराणसी से ऋषु पाठक की रिपोर्ट। पूरा भरोसा है कि हमारे साथ न्याय करेगी। देश में ये आरोप चार लोगों पर लगा, एक जस्टिस रंजन गोगोई पर, एक मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ पर और एक भाजपा के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना पर। तीनों मामलों में पुलिस ने जांच की, उसके बाद कार्रवाई की, लेकिन एक विपक्ष के नेता पर 12 घंटे के अंदर FIR रजिस्टर की जाती है, और डेढ़ साल पुराने मामले में वो भी उस युवती के द्वारा, जिस पर यह आरोप है कि दो दो लोगों पर उसने इल्जाम लगाया है, 12 घंटे के अंदर 164 DIPC में DIPC का बयान कराया जाता है और सीधे वारंट इशू कराकर मेरे पीछे पड़ जाया जाता है। अगर न्याय सरकार में होना है, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वच्छ प्रशासन का वादा करते हैं, तो जो वो अपने मंत्रियों के साथ इस केस में कर रहे हैं, उसी तरह का व्यवहार मेरे साथ भी इस केस में।